मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हुक्मनामा और डायरेक्शन मौसूल हुई कि इस्लामाबाद में पार्टी का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसका बंदोबस्त किया जाए। हमारा मरकजी सेक्रेटेरिएट F8 में, आप सारे सीनियर दोस्त जानते हैं, किराए की एक बिल्डिंग में था और वो मालिक मकान ने खाली करवा लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी शख्स इस्लामाबाद में हमें सेक्रेटेरिएट के लिए अपनी बिल्डिंग घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं था। मेरा ज़ाती घर जिसमें मैंने अपना दफ्तर कायम किया हुआ था वो सेक्टर F83 गली नंबर 10 मकान नंबर 20H वो मौजूद था। जब मैंने देखा कि हमें मरकजी दफ्तर के लिए कोई जगह नहीं मिल रही तो मैंने कायदे मोहतरम को अपना वो घर पार्टी के मरकजी दफ्तर के लिए पेश किया और 2004 में F83 में 10 नंबर गली में हमारी पार्टी का PMLN सेक्रेटेरिएट, जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था, वो कायम हुआ और हमारी सारी मीटिंग, सेंट्रल वर्किंग कमेटीज़, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सब आग पे वहाँ कवर करते रहे। ये सिलसिला 2015 तक जारी रहा। 2015 में हमारी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और मैं वफाकी वज़ीर था उनकी काबीना में और CDA मेरी वजारत का एक मातहत इदारा था। 2015 में CDA ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद में जो रिहायशी सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो तजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए, जिसमें रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, क्लिनिक्स, शोरूम्स, ये तमाम और ऑफिसेज, ये सारी एक्टिविटीज़ आती थी। चूँकि रिहायशी इलाकों में दफातर के क्याम पे भी पाबंदी लग गई तो हमें CDA ने एक नोटिस सर्व किया। गवर्नमेंट हमारी, मैं CDA का इंचार्ज वज़ीर और CDA सर्व करता है एक नोटिस कि आप यहाँ F83 में घर में, जो कि मेरा ज़ाती घर था, आप पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं चला सकते। हमने उस नोटिस सर्व होने के बाद अपना वो मरकजी दफ्तर वहाँ पे बंद किया और इस बात के आप सब गवाह हैं। अगर हम चाहते तो ना वो नोटिस सर्व होता, अगर हुकूमत का दबाव हम इस्तेमाल करते तो शायद नोटिस भी रुकवा लेते, शायद नोटिस के बावजूद वहाँ पे हम अपना सियासी दफ्तर कायम रखते, लेकिन सिर्फ एक नोटिस मौसूल हुआ और हमने अपना वो दफ्तर मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर बंद किया और उसके बाद हम उसे चकशजाद शिफ्ट कर लिया हमने, जहाँ पर आप सब जानते हैं कि हमारी बाकी की तमाम एक्टिविटीज़, PDM की तमाम एक्टिविटीज़, हमारा मुस्लिम यूनून सेक्रेटेरिएट चकशजाद में रहा और आप सब वहाँ भी उसकी कवरेज के लिए आते रहे। तो एक तो ये कहानी थी। अब एक दूसरी कहानी जो आज बहुत शोर मचा हुआ है, मैं देख रहा हूँ मीडिया पे, पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जनाब गजा की तार्स का ऑपरेशन हो गया, फस्ताइत हो गई और बहुत हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। ये कहानी है PTI के सेक्रेटेरिएट की, जो कि G842 में वाक़ है। ये सेक्रेटेरिएट 1995 में इसकी अलॉटमेंट होती है और ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है G8 में। और क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स क्या होते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले तो वाकिफ़ हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद के बाहर है मैं बता देता हूँ कि इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एक बड़ा मरकज़ है। जैसे F7 का बड़ा मरकज़ जो है हमारी जना सुपर मार्केट है, F6 का बड़ा मरकज़ जो है हमारी सुपर मार्केट है, लेकिन हर सब सेक्टर के अंदर ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। अगर F7 है, F7 1, 2, 3, 4 में हर सब सेक्टर में ये क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स होंगे और उनके अपने कुछ कवानीन हैं, कुछ बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं। 2013 में इसका प्लान मंजूर हुआ, 2013 में एडिशनल एक और इसके ऊपर फ्लोर बनाने की इजाज़त मांगी गई, जिसका CDA ने इनकार किया क्योंकि बिल्डिंग रेगुलेशंस के तहत उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को भी। इसके बावजूद उस वक्त के जो मालिक थे उन्होंने 2 एडिशनल फ्लोर बनाए और 4 कनाल ज़मीन उस पे मज़ीद कब्ज़ा कर लिया गया, जब ये PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट वहाँ पे कायम हुआ। अब आप ये देखें कि मैं गौर अयूब साहब, उमर अयूब साहब का और उसके साथ बैरिस्टर गौर का एक बयान अभी TV पे देख रहा था
کہ بغیر کسی نوٹس کے. بھائی یہ دونوں شریف آدمی ہیں, کوئی بھلے مانس لگتے ہیں, اتنا بڑا جھوٹ آپ آ کے نیشنل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں بغیر کسی نوٹس کے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلا ان وائلیشنز کا نوٹس نومبر 19, 2020 میں اس بلڈنگ کو جو پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو جاری ہوا, اور اس نوٹس کی کاپی یہ آپ کے سامنے ہے, میں آپ کو یہ دے کے جاؤں گا آج. اور یہ برائے مہربانی آپ میں سے کوئی دوست بیرسٹر گور صاحب کو خاص طور پہ واٹس ایپ کر دیجئے گا. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں تھی. اور اس پہ لکھا کیا ہے, وائلیشن آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020. اور دو چیزیں لکھی ہیں, نمبر ون انلیگل کنسٹرکشن آن روف ٹاپ, اور دوسرا انکروچمنٹ آن سی ڈی اے لینڈ. تو یہ جناب علی نومبر 2020 میں پہلا نوٹس آپ کی اس دفتر کو سی ڈی اے نے سرو کیا آپ کی اپنی گورنمنٹ میں. اس کے بعد دوسرا اسی طرز کا نوٹس فروری 2021 میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, یہ دوسرا نوٹس ہے. اس کی بھی عبارت وہی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب شب خون مارا گیا, ہمارے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی, اور خدا کا واسطہ ہے قوم کو بے وقوف بنانا اور جھوٹ بولنا بند کرو. کتنا جھوٹ بولو گے, یہ دوسرا نوٹس ہے بغیر نوٹس کے کاروائی ہوئی کہتے ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں جاری ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ کو ایک نوٹس جاری ہوا, ہم نے بند کر دیا. آپ کو دوسرا نوٹس آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جاری کیا. اس کے بعد تیسرا نوٹس آپ کو ذرا یہ بھی دیکھ لیں, جون 14, 2022 میں سی ڈی اے نے آپ کو دیا کہ جناب یہ اپنی جو آپ نے غیر قانونی تعمیرات کی ہوئی ہیں انہیں آپ ختم کریں. چار کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ نے فینس لگائی ہے, کنٹینر کھڑے کیے ہیں, جو بھی کیا ہے ختم کریں. تیسرا نوٹس. اس کے بعد آپ کو سپٹمبر 5, 2022 کو چوتھا نوٹس سرو ہوتا ہے. یہ ساری میں آپ کو کاپیز دے کے جاؤں گا. اور آخر میں 4 سپٹمبر 2023 کو فائنل شو کاز آپ کو جاری ہوتا ہے. یہ پانچ نوٹسز ہیں جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی, جو این سی ڈی اے کے بلڈنگ ریگولیشنز ہیں, جو سی ڈی آرڈیننس ہے اس کے مطابق ہے. اور اس کو میں کیوں آج یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کوئی سی ڈی اے کا ترجمان نہیں ہوں, میں اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ آپ نے وفاقی حکومت کو پولیٹیکلی اس میں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اپنے بیانات سے, اپنے جھوٹ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی سیاسی بنیادوں کے اوپر ہوئی ہے, جبکہ ان چار نوٹسز کے بعد جن میں سے دو نوٹسز سی ڈی اے نے, آئی ریپیٹ, پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا اس وقت آپ کو دیے, لیکن آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی, آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے یہ سمجھا کہ ہم ہر قسم کے قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں. آپ کا جو ایک تکبر رعونت آپ کے اندر, آپ کی جماعت میں, آپ کی لیڈرشپ سے لے کے آپ کے ہر کارکن تک آپ نے وہ ایک کلچر فلوٹ کیا ہوا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. آپ نے نہ کوئی عدالتی ایکشن لیا, نہ آپ نے سی ڈی اے کی کوئی بات سنی, اور آج آپ سیاسی بیان بازی, غزہ کی طرز کا آپریشن ہوا جناب, شب خون مارا گیا, فستائیت ہوگی, یہ آپ کے صبح سے میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ ٹی وی پر اوپر آ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کو آپ غلط بات بتا رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس ٹو کل ہے, آپ کسی بھی قانونی ضابطے سے کوئی بالا تر مخلوق ہے. آپ کے اوپر پاکستان کا کوئی قانون وہ لاگو ہی نہیں ہوتا. ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس, ہم آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہم قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں. او بھائی آئین اور قانون تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. آپ کو اسلام آباد کا شہر پاکستان کا دارالخلافہ ہے, یہ کسی ضابطے کے تحت چلتا ہے. سی ڈی آرڈیننس باقاعدہ ریگولیٹ کرتا ہے اسلام آباد میں تمام بلڈنگز کو, ان کے بنانے کے عمل سے لے کے اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی بے ضابطی کی جائے. آپ مسلسل ان قوانین کو توڑنے کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں, اور آپ کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے, آپ کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. آپ کی اپنی حکومت نے دو نوٹس آپ کو دیے ہیں کہ یہ بائی لاز کی وائلیشن ہے, آپ ان کو ختم کریں, لیکن آپ ختم نہیں کرتے, قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد
हर चीज़ में सियासत, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में शोबदाबाजी, ये आपका एक वतीरा है। आप अभी जो बात कर रहे थे अपने ख़िलाफ़ होने वाले मुकदमात, भाई हम किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी मुकदमा ना हम उसके हक़ में हैं, ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने कभी भी कोई सियासी कैदी रखा है और ना कभी हमने इस कल्चर को फ़रोग दिया है। मैं सिर्फ़ आपकी याददाश्त के लिए बात अर्ज़ कर दूँ कि अपना पिछला जो आपका दौरे हुकूमत था उसमें जो फस्ताइत आपने अपनी अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ रखी उसे मत भूला करें यह ज़िक्र करते हुए। आज आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया, वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर इंश्योर करता हूँ कि अगर उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उन्हें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी उन्हें रियायत जो है वो दी जानी चाहिए। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि आप साथ जिक्र कर देते जिस तरह आपने बग़ैर किसी कसूर के जो हमारी आज चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्हें दो दफ़ा आपने गिरफ़्तार किया, किस अंदाज़ से किया, बाप के सामने आप जेल में मिलने गई वहाँ आपने उन्हें पकड़ा, जो मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा के साथ बीमारी के दौरान आपने प्रोपोगंडे किए, झूठ बोले और जब वो उस दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो उसके बाद आपको याद आया कि नहीं, हमारे बहुत सारे लीडर्स ने आके आपके माफ़ी मांगी कि नहीं ये ज़्यादती है। तो भाई उस तमाम जो फस्ताइयत की आप बात करते हैं अपने दौर की, उसे भी याद रखा करें, लेकिन ना हम इसे सपोर्ट करते हैं, ना हम आज के दौर में अगर किसी ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है उसका अपना एक तरीक़ाकार चल रहा है, मुकदमात चल रहे हैं। और मैं 12 मरतबा ये कह चुका हूँ कि मुझे उन ख़ानदानों से, उन नौजवानों से भी हमदर्दी है जिन्हें अपने फैमिलीज़ ने, अपने वालदैन ने अपनी मेहनत की कमाई से तालीम दिलाई एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके लिए और अपने घर बार के लिए, उन्हें आपने वरगला के एक ऐसा जहन उनका आपने ख़राब किया कि आपने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उनको वरगलाया, पाकिस्तान के रियासती इदारों पे आपने उनको हम तरगीब दी। और आपके तमाम लीडर जो हैं उनकी वो तमाम वीडियोज़ फुटेज मौजूद हैं, कई दफ़ा ये बात हो चुकी है। और उसके अलावा जिन जिन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, आपको अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा गलत है जमानतें भी मिल रही हैं, मुकदमात खारिज होंगे, लेकिन हमने भी मुकदमात का सामना किया है, अदालतों का सामना करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगेन एट दी कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम सियासी बुनियादों के खिलाफ के ऊपर ना किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएंगे, ना हम उसके हक में हैं। दूसरी बात, ये जो आपने फ़लस्तीन और मकबूज़ा कश्मीर के तर्ज की ऑपरेशन की बात की, खुदा का वास्ता है आप अपनी ये गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम को उन अजीम लोगों की जदोजहद से मत जोड़ें, वो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो आपकी तरह इस तरह ये गैर आइनी गैर कानूनी और मैं क्या कहूँ शर्मनाक जो ये हरकतें हैं। इस्लामाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।